पेगासस जासूसी मामले में आज एक बड़ी खबर आई। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि बुधवार को एक आदेश जारी कर दिया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम का गठन कर दिया है जो इस पूरे पेगासस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि इस पैनल की जो अध्यक्षता है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंदन करेंगे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और डॉक्टर संदीप ओबराय जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं वो भी इस कमिटी के अन्य सदस्य होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी को आरोपों की पूरी तरीके से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 हफ्ता का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस की सच्चाई की जांच के लिए कमिटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि प्राइवेसी का अधिकार हर किसी व्यक्ति का अधिकार है और प्राइवेसी के अधिकार के उल्लंघन की जाँच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी का शामिल होना एक गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे में केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार से हमारे पास याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ कमेटी का नियुक्त करते हैं जिसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा अपने बचाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उठाने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर सरकार को हर बार राहत नहीं मिल सकती है। केंद्र सरकार को यहाँ अपने रुख को सही ठहराना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को मुख दर्शक बने रहने के लिए कहना चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल पेगासस जो है वो एक स्पाईवेयर है जिसके जरिए केंद्र सरकार पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने सरकारी एजेंसियों द्वारा देश के तमाम नागरिक, राजनेताओं और देश के कुछ बड़े पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी कराई थी। हालांकि ये अभी सिर्फ आरोप है और इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल पैनल बनाया है और ये पैनल 7 हफ्तों में अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट विद इन 8 वीक्स द मैटर विल बी रीलिस्टेड अगेन। इन द मीन टाइम दिस कमिटी हैज टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। द जजमेंट एज इट वॉज रेट आउट इन द कोर्ट इज लेस्ड विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ प्राइवेसी एंड द राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट टू फंक्शन फ्रीली विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने COVID-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि आप वैक्सीन की डोज लें, अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।